प्यारे बच्चों आदाब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम आगे रीडिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विरोड़ी ने जज से कहा, पहले जज ने विरोड़ी से कहा कि तुम्हें कुछ लगा इस जो लोमन थी इसकी बातों से कुछ लगा तुम्हें? इसने कुछ अजीब सी बातें, कुछ कुछ ऐसी बातें की जो हमें पता नहीं थी। तो विरोड़ी कहता है मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन मुझे आज पता चल गया कि एक आम इंसान और एक जज में क्या फ़र्क है। जज, आई एम ए लॉयर, द लास्ट पर्सन हु सॉ नेली, आई एम ए लॉयर, ही टेक्स अ स्टेप और टू एंड देन गोज नियर विरोड़ी। उसे कहा आखिरकार मैं एक जज ये वकील हूँ। द लास्ट पर्सन हु सॉ नेली सेल्डर अलाइव वॉज द फार्मर एट डाइक्स फार्म। जो आखिरी इंसान था जिसने कि इस नेली सेल्डर को जिंदा देखा था वो कौन था? एक फार्मर था जो कि एक फार्म में काम करता था, एक खेत में काम करता था। अबाउट 100 yards farther on, द रोड डिवाइडेड एट स्पॉट इनविजिबल फ्रॉम द फार्म। इस खेत से आगे जाके 100 yards के आगे जाकर ये रास्ता जो है दो हिस्सों में बंटता था। वन पाथ गोज बाय द साइड ऑफ द लॉज, एक तो झील के साइड से जाता था और दूसरा द अदर द पाथ ऑफ द रेड डियर गोज अप द हिल एंड रिजॉइंस द लॉज पाथ अबाउट ए माइल फार्दर वेस्ट। और दूसरा रास्ता जो है वो एक पहाड़ी के ऊपर से जाके, जब ये दो रास्ते जो है आगे जाके कोई 1 mile क्रॉस करके मिलते हैं। नो बॉडी न्यू वेदर नेली सेल्टर टू द लो रोड और द हाई रोड। किसी को पता नहीं था कि नेली सेल्टर जो है इसने कौन सा रास्ता लिया, झील वाला रास्ता लिया कि पहाड़ी वाला रास्ता लिया। हर बॉडी वॉज फाउंड 200 yards फ्रॉम द वेस्ट जंक्शन ऑफ द टू पाथ्स। और इसकी बॉडी जो थी वो कहाँ पर पाई गई थी? इस जहाँ पे ये दोनों पाथ आगे जाके मिलते हैं उसके बाद 200 yards के बाद उसकी डेड बॉडी को देखा गया। ब्रोडी आफ्टर ए पॉज, ब्रोडी कुछ सोचते हुए कहने लगे, बट मिसेज लोमोन न्यू, लेकिन मिसेज लोमोन को तो पता है कि वो कहाँ से गई, उसने क्या किया। जज, एपरेंटली हाँ वो तो दिख रहा है उसकी बातों से। ब्रोडी, शी डिडंट सी सो हाउएवर इन कोर्ट, लेकिन उसने कोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं कहा। जज, इन हर एविडेंस शी डिनाइड ऑल नॉलेज ऑफ नेलीज मूवमेंट ऑन द डे ऑफ द क्राइम। हाँ, जब हमने उससे पूछताछ की थी तो उसने तो वहाँ पे कहा था कि मुझे कुछ पता नहीं है। ब्रोडी, बट अपेरेंटली शी वॉज दियर, लेकिन आज हमें पूरा पता लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि वो तो वहाँ पे थी। जज, लुक्स लाइक इट, हाँ ऐसा लगता है। ब्रोडी, नाउ व्हाट डिड शी एग्जैक्टली से जस्ट नाउ अबाउट द पाथ, तो अभी अभी उसने रास्तों के बारे में क्या कहा और उसने क्या कहा कि वो कहाँ से गई? जज, समथिंग लाइक दिस, उसने कुछ ऐसा कहा, ऑफ शी वेंट, पहले ऊपर गई, देयर टू से नेली सेल्टर एंड अप ऑन द हिल, हाँ वो वहाँ से निकली, उसके बाद कहाँ गई? पहाड़ी के ऊपर गई। ब्रोडी, दीज आर द वाइटल वर्ड्स, ये तो बहुत ही अहम लफ्ज़ हैं, ये तो हमारे लिए गवाही है। जज, यस एंड अप ऑन द हिल साइड शी टुक आउट हर पाउडर, ब्रोडी हर पेंट एंड हर पाउडर। जज, एंड देन शी सेड समथिंग टू द इफेक्ट दैट द वुमन ब्यूटिफाइड हर सेल्फ एंड लुकड राउंड ऑन द हिल एंड द लॉज। ब्रोडी, एंड द बोनेज ट्रीज इन द वेस्ट, जज एंड द बोनेज ट्रीज इन द वुड्स, ठीक है। ब्रोडी एंड देन द वुड्स टू द इफेक्ट दैट शी वॉज बोनियर, जज एंड मोर पावरफुल, ब्रोडी देन द नेचर अराउंड हर। अभी आपस में बातें कर रहे हैं, कहते हैं हाँ हाँ लोमोन ने क्या कहा उसके बारे में, वो पहाड़ी पे गई, एक कह रहा है पहाड़ी पे गई, दूसरे कहते हैं वहाँ पे उसने अपना वो मेकअप सामान निकाला, दूसरे कहा उसने फिर वो मेकअप लगाया, फिर उसने क्या कहा, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, चाहे वो कोई पहाड़ हो, कोई झील हो, कोई पेड़ हो, मैं सबसे खूबसूरत हूँ और सबसे पावरफुल हूँ। हाँ, जो ये नेचर है इर्द गिर्द, जो हमारा ये जो कायनात है, इससे भी वो जो नेली सेल्टर थे अपने आप को पावरफुल समझती थी। जज, यस एंड आई रिमेंबर द फाइनल वर्ड्स, हाँ फिर आखिर में जो है लोमोन ने क्या कहा कि उसने कहा, किसने? नेली सेल्टर ने कहा, आई कैन डू विद मैन व्हाट आई लाइक, मैं आदमी के साथ यानी आदमियों के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, जो मेरी मर्जी हो। एंड शी लुक्ड डाउन इन हर प्राइड एंड वेंट डाउन द हिल साइड, और उसने आखिर में क्या कहा कि ऐसा कहते कहते वो आगे पीछे जो है किसी को ढूंढ रही थी और ये ऐसा करते करते वो पहाड़ी से नीचे की तरफ निकली। ब्रोडी, यू डिड्यूस शी वॉज देयर, तो तुम्हें पूरा यकीन है कि वो वहाँ पे थी। अब ये वो वहाँ पे थी कौन सी वाली है,
ये लोमोन के बारे में बात कर रहे हैं या नेली के बारे में? कहते हैं कि हाँ पहाड़ी पर थी वो। जज, इट इज़ ए फेयर जक्शन। मुझे लगता है यहाँ पे उसने किसके बारे में कहा है, लोमोन के बारे में। तो अब तुम्हें तो पूरा यकीन हो गया है, ब्रोडी कहता है जज को, अब तुम्हें पूरा यकीन हो गया है कि जो ये लोमोन थी वो वहाँ पहाड़ी पर उस नेली सेल्ट्रिक को देख रही थी। जज, इट इज़ ए फेयर डिडक्शन। हाँ, दूर से ही पता चलता है, उसकी बातों से ही पता चलता है। ब्रोडी, राइजिंग एंड मूविंग एंड गोइंग नियर द डोर टू बी श्योर दे आर नॉट ओवरहर्ड एंड वॉज ट्रैकिंग नेली। और उसने क्या कहा आगे जाके, जब ब्रोडी ने इतना कहकर खड़ा हो गया और दरवाजे के पास देखा कोई सुन तो नहीं रहा है, और वहाँ से उसने क्या कहा कि हाँ वो तो उसका पीछा कर रही थी, उसको उस पर नज़र रखी हुई थी। जज, पॉसिबिलिटी, हो सकता है। ब्रोडी, हर सन माइट हैव टोल्ड हर सपोजिंग ही वॉज द गिल्टी पार्टी। हो सकता है ये सब जो है उसके बेटे ने उससे कहा हो, क्योंकि वो भी उन सब आदमियों से या इससे मिला हुआ था। जज, अबाउट व्हाट द जेस्चर्स ऑफ दिस वुमन रिवील्ड ऑफ हर थॉट्स, नो। लेकिन जहाँ तक मैंने लोमन को देखा, मुझे इसकी बातों से और इसके हाव भाव से ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसने, इसके बेटे ने इससे कुछ कहा होगा। हर सन वॉज डिसेंट अनइमेजिनेटिव सॉर्ट ऑफ चैप। इसका बेटा जो था वो बहुत ही शरीफ, और उसमें उसके दिमाग में कोई ऐसा फितूर नहीं था, वो एक छोटा लड़का था, बिल्कुल इनोसेंट था, इसलिए उसने ऐसा नहीं कहा होगा। नो, ओनली वुमन कुड गेस व्हाट वाज इन हर थॉट्स। सिर्फ एक औरत ही बता सकती है कि औरत के दिमाग में क्या है। ब्रोडी, शी माइट हैव हर्ड नेली मटर समथिंग। यहाँ पे क्या कहा उसने, एक औरत कौन, लोमोन जो है वही बता सकती थी कि नेली क्या सोच रही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि नेली ने जो है कुछ ऐसा कहा हो जो कि लोमोन ने सुना हो। जज कहता है, क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है। लुक्स एट द डोर लेफ्ट एंड देन गोस्ट अप टू जज। और ब्रोडी ने फिर से दरवाजे की तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई सुन तो नहीं रहा, और उसने फिर जज की तरफ आके बोला, मिसेस लोमोन मर्डर्ड नेली सेल्टर। तो मुझे लगता है कि मिसेस लोमोन ने ही नेली सेल्टर का खून किया है, कत्ल किया है। जज, दैट इज़ योर कंक्लूजन। तो क्या तुम इसी नतीजे पे पहुँचे हो? ब्रोडी, द पुलिस सस्पेक्ट हर। पुलिस को भी उस पर शक है। जज, ऑफ कोर्स, हाँ पुलिस को शक है, बट शी हैड द परफेक्ट एलिबी। लेकिन उसने जो है ऐसा कुछ दिखता नहीं है, ऐसे कुछ जो है उसमें वो बात नहीं है। द डेजर्ट ही पॉइंट्स टू विंडो, द सैंड्स आर ऑलमोस्ट ए डेजर्ट। लेकिन उसमें शी हैड द परफेक्ट एलिबी, यानी उसमें वो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, वो तो क्लियर लग रही है, उसकी बातें साफ लग रही है, वो कुछ छुपा नहीं रही है। जैसे कि ये उसे खिड़की की तरफ देखा, सैंड्स आर ऑलमोस्ट ए डेजर्ट। जैसे कि रेत जो है वो क्या होती है, वो रेगिस्तान ही होता है, रेत रेगिस्तान में ही होती है। यानी क्लैरिटी जो है इंसान के फेस पर ही पता चलती है। नोबडी गोज नियर देम एज अ रूल। मिसेस लोमोन सेज शी वॉज देयर ऑल डे एंड वेल टूवर्ड्स डस्क। हु कुड कंट्रडिक्ट हर। उसने क्या कहा कि मैं वहाँ पे पूरे दिन थी और शाम तक थी, तो उसकी इस बात को जो है कौन कंट्रडिक्ट कर सकता है, कौन काट सकता है, कौन उसको मना कर सकता है कि ऐसा नहीं था। ब्रोडी, व्हाई डिड शी टेल अस ऑल दिस। तो लेकिन उसने क्यों कहा ये सब कुछ हमें, फिर ये सब कुछ कहने की उसको क्या ज़रूरत थी फिर? जज, इट मे हैव स्लिप्ड आउट। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ द पुलिस सस्पेक्ट्स हर, उस पुलिस को तो उस पर शक हो रहा है। जज कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, बट शी हैड द परफेक्ट एलिबी। उसमें ऐसा कुछ ये जो है, लेकिन उसके पास जो है एक बहाना है, परफेक्ट है कि वो वहाँ पे थी ही नहीं। लेकिन यहाँ आगे जाके क्या कह रहे हैं कि मिसेस लोमो ने खुद कहा कि वो वहाँ पे पूरे दिन और शाम तक थी। हु कुड कंट्रडिक्ट हर। तो इस बात को कौन काट सकता है? ब्रोडी, व्हाई डिड शी टेल अस ऑल दिस। उसने ऐसा सब कुछ फिर हमसे क्यों कहा, ये सब कुछ हमसे क्यों कहा? जज, इट मे हैव स्लिप्ड आउट। शायद उसको उसकी जुबान
फिसल गई होगी, उसने शायद गलती से हमें सब कुछ कह दिया। ब्रूडी, आई डोंट थिंक सो, कॉन्शियस मे बी और मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़ुबान फिसल गई है, उसको शायद एहसास हो गया है इसीलिए उसने हमें ये बताया। जज, और वट, या तो उसको एहसास हो गया तो या क्या। ब्रूडी, हाफ अशीम्ड, आई डोंट नो, एंड ही सिट्स डाउन अगेन। उसको शर्म जैसी आई और उसने कहा मुझे नहीं पता कि क्या, और वो नीचे बैठ गया। जज गोज राइट एंड देन सिटिंग डाउन एट टेबल एड्रेसेस ब्रूडी। अब ये जज जो है वो भी टेबल की तरफ गया और ब्रूडी के साथ बात करने लगा। वट मेड मी सी दैट वुमेन, आई ब्रोक द रूल ऑफ ए लाइफ टाइम, द रूल विच एवरी सेंसिबल जज मस्ट फॉलो, आई ऑट टू हैव स्टॉप्ड हर एज सून एज शी गॉट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मर्डर। मुझे इस औरत से बात करनी नहीं चाहिए थी, इसको मतलब मिलना ही नहीं चाहिए था। मैंने अपनी ज़िंदगी का असूल तोड़ा है कि जिस कोई भी ऐसा मैटर हो, मर्डर का मैटर हो, मैं उसमें किसी से कोई बात नहीं करता था। मैंने ये एक रूल बनाया था, लेकिन आज मेरा वो रूल टूट गया क्योंकि मैंने आज एक ऐसे सस्पेक्ट से बात की। ब्रूडी, यू डिड स्टॉप हर, तुम्हें उसको रोकना चाहिए था, तुम्हें उसको आने नहीं देना चाहिए था। जज, यस बट शी फोर्स्ड मी टू लिसन, लेकिन उसने तो मुझे बहुत मजबूर किया कि मैं उसकी बात सुनूं। ब्रूडी, शी फोर्स्ड मी, मुझे भी उसने कहा था कि तुम भी सुनो। जज, यस बट हाउ, व्हाई, लेकिन ऐसा क्यों और कैसे, उसने हमें ऐसे मजबूर कैसे किया, और मुझे समझ नहीं आती क्यों किया। इफ द पुलिस न्यू व्हाट शी हैड टोल्ड अस टुनाइट, दे वुड परहैप्स डिटेन हर, व्हाट एम आई टू डू। और अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो वो तो इसको उसकी बातों के बेसिस पर ही क्या करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, उसको इस मर्डर का एक्यूज्ड मानेंगे, कसूरवार मानेंगे। ब्रूडी, राइजिंग लेसलेसली, अब ये इनको एकदम से वो अंदर से बेचैनी हो गई। हाउ डिड दिस वुमेन गेट इट, ने कहा ये औरत हमारे कमरे में, हमारे घर में कैसे आई। जज, वी बोल्टेड द डोर, डिडंट वी, लेट अस सी, हमने तो दरवाज़ा बंद किया था, तो फिर ये औरत अंदर कैसे आई। ही इज़ मेकिंग फॉर द सी डोर वेयर देयर इज़ अ लाउड नॉक, जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाके देखते हैं कि दरवाज़ा बंद था कि नहीं था, दरवाजे पे आवाज़ होती है किसी के आने की। नाउ हु कैन दैट बी, उसने कहा अब ये कौन आया है। जज ऑफ, हेलो अलोन, ब्रूडी लुक्स एंग्शियसली एट एल डोर, ही इज़ अबाउट टू ओपन डोर व्हेन ही चेंजेस हिज माइंड एंड टर्न्स टू सी डोर एज नॉइज ऑफ वॉइस कैन बी हर्ड। अब यहाँ पे इनको कन्फ्यूजन हो गया कि हम जाके पहले लोमोन को चुप कराए कि वहाँ से कोई आवाज़ ना करे वो, कि पहले देखे कि दरवाज़े पे कौन आया है। कभी वो दरवाज़े की तरफ जाते थे तो कभी उस कमरे की तरफ जाते थे जहाँ लोमोन बैठी थी, देखने के लिए कहीं वो बाहर ना आ जाए। जज रिटर्न एंड ब्रिंग्स विद हिम कॉर्नल एलन डाइज। और उसके बाद जब वो दरवाज़े की तरफ गया तो वहाँ से उसके साथ कौन आया, वहाँ पे चीफ कॉन्स्टेबल जो थे उनके डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टेबल वो आए, जिनका नाम था एलन डाइज। कॉर्नल इज़ ए सॉलिटरी टाइप अबाउट 45, ठीक है, एक सॉलिटरी मतलब एक अच्छी शेप साइज की बॉडी का, और कितनी एज है उसकी, 45। यू नो ब्रूडी, कॉर्नल एलडाइज अवर चीफ कॉन्स्टेबल। अब उसने कहा जज ने इस एलडाइज को ब्रूडी से मिलवाया, कहा कि ये हमारे चीफ कॉन्स्टेबल है। कॉर्नल ऑफ कोर्स शेकिंग हैंड्स, गुड इवनिंग, हर्ड यू वर इन दीज पार्ट्स। अब इन्होंने आपस में हैंड शेक किया और कहा कि मुझे पता चल गया कि आप यहाँ पे आके रुके हैं। ब्रूडी, यस बीन स्पेंडिंग ए फ्यू डेज विद द जज, फिशिंग और ट्राइंग टू फिश। हाँ हाँ, मैं यहाँ पे इसलिए आया था ताकि मैं कुछ दिन जो है जज के साथ बिताऊँ और यहाँ पे फिशिंग का, मछलियाँ पकड़ने का जो है शौक अपना पूरा करूँ। कॉलोनियल, यू कांट फिश इन दिस वेदर, लेकिन इस मौसम में तो आपको वहाँ पे मछलियाँ नहीं मिलेंगी। होप दियर विल सून बी ब्रेक वॉज अप द ग्लेन ऑन सम पोचिंग बिजनेस, आई थॉट आई वुड लुक इन टू गिव यू अ बिट ऑफ न्यूज़।
क्या कहा, यू कॉन्ट फिश इन दिस वेदर, इस मौसम में आपको मछलियाँ वहाँ पर नहीं मिलेंगी, होप देयर विल बी सून बी ब्रेक, हाँ होप देयर विल सून बी ब्रेक, वॉज अप द ग्लेन ऑन सम पोचिंग बिजनेस, आई थॉट आई वुड लुक इन टू गिव अ बिट ऑफ न्यूज़, हाँ मैं सोचता हूँ कि मुझे भी थोड़ा बहुत ब्रेक मिल जाए और हम मैं भी यहाँ पर आके रुकूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ काम के लिए आया हूँ और वो काम ये है कि मैंने आपको एक न्यूज़ देनी है, एक खबर देनी है। जज डिलाइटेड टू सी यू, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। कॉर्नल यू रिमेंबर द लोमोन मर्डर केस, आपको याद है लोमोन मर्डर केस। जज विद ए ब्रीफ लुक एट ब्रोडी हु इज लिसनिंग मोस्ट इंटेंटली, तो जैसे ही इसने कहा लोमोन मर्डर केस, तो जज ने ब्रोडी की तरफ देखा और कहा आई शैल नेवर फॉरगेट इट, इसके बारे में तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ।